चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी सीपी जोशी की नामांकन सभा संबोधित की गई। इस मौके पर एक रोड शो का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ही देश का विकास कर सकती है। युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। बताना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार को आए 3 महीने से कुछ दिन हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता 90 दिन में लग गई थी। हम आपसे कहना चाहते हैं 90 दिन के अंदर हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, हमने जो आपको हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे 45% वायदों को पूरा करने का काम हमारी राजस्थान की आपकी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने जो वायदे किए थे, हमने कहा था, क्योंकि इन्होंने उन किसानों के बेटों को, किसानों के उन पुत्रों को, क्योंकि किसान का बेटा, किसान तो जमीन में, जमीन का सीना चीर करके खेती में काम करते हुए अन्न उपजाने का काम करता है, और उसका बेटा सीमा पर रहते हुए 0 माइनस में और 50 डिग्री में सेना में रह करके सेना की रक्षा करने का काम करता है। हमने आपसे वायदा किया, हमारी माता बहनों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उस पेंशन को भी बढ़ाने का काम किया। हमने 1,150 रुपए पहली किस्त में 150 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है।